इस भाषा का मुझे चेतन श्लोक का करने का तो बता देता हूँ। भगवान की जो परिभाषा है शास्त्र में वो कई तरह से है। किसी व्यक्ति को पहचानना हो तो भगवान की सबसे पहली परिभाषा है कि वो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सच्चित आनंद है। भगवान की पहली परिभाषा वेद की है कि वो सच्चित आनंद है। सत क्या अर्थ जो है वो सत का अर्थ ये है कि जो अभी भी है, कल भी था और कल भी रहेगा, तीनों काल में जो है वो सत। सर्वत्र हर जगह पे अभी यहां भी है, वहां भी है, यत्र तत्र सर्वत्र है। ये सत की परिभाषा है। तो भगवान को ढूंढना चाहिए, ढूंढ क्योंकि बिना लक्षण के बिना पहचाने भगवान को ढूंढना मुश्किल है। सामने चीज पड़ी और अगर नहीं पता सोना है या हीरा है तो सामने पत्थर की तरह पड़ा रहेगा। तो भगवान भी हमारे सामने हो और अगर उसका लक्षण नहीं जानते हो तो भगवान को पहचान नहीं पाते। इसलिए शास्त्रों ने भगवान के लक्षण बताए। पहला लक्षण बताया भगवान सत है। तो हम लोग हर बार तत् सत कहते हैं। सत माने भगवान को अभी भी होना चाहिए, यहीं पर होना चाहिए और हर वस्तु में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो भगवान नहीं है। पर क्या हम लोग भगवान दिख रहे हैं? तो शास्त्र गलत है या कहीं हमारी दृष्टि में भेद है? शास्त्र तो कह रहा है कि भगवान अभी है, हर चीज में है और यहीं पर है। ये पहचानना है, ये विचार करना है। एक तो विश्वास और एक अनुभव। विश्वास तो मान लेना है, जिसको हम कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है, बट आप कह रहे हो तो मान ही लेते हैं। विश्वास सिर्फ एक सीढ़ी है, पर विश्वास भगवान का दर्शन नहीं है। विश्वास के साथ अनुभव होना चाहिए। और अनुभव कैसे होगा? जब विचार करेंगे। पहला लक्षण, जब भी भगवान को पूछिए तो ढूंढिए ऐसी कौन सी चीज है जो अभी भी है, हर चीज में है। आपके ऊपर छोड़ देता हूँ विचार करने के लिए, फिर कभी अन्य समय पर इस पर चर्चा करें। दूसरा भगवान का लक्षण चेतन, भगवान का दूसरा लक्षण है चित। भगवान का लक्षण तो जरूरी, क्योंकि सारा मनुष्य का शरीर त्रिवेणी काल के लिए मिला है कि भगवान का साक्षात्कार हो जाए। मानव जीवन की यात्रा अपने शरीर के भोगने के लिए जो कर्म किए और साथ ही साथ इस मनुष्य शरीर से ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, बस यही लक्ष्य है। और अगर ईश्वर की लक्ष्य ही अंतिम लक्ष्य है तो पहले ईश्वर को जान ले कि ईश्वर क्या है। उसे सत होना चाहिए, चित होना चाहिए और आनंद स्वरूप होना चाहिए। और ये सत चित आनंद तीनों अलग अलग लक्षण नहीं है। जो सत है वही चित है, वही आनंद है। नहीं तो फिर जो सत है वो चित नहीं है, तो फिर भगवान नहीं होगा, तो फिर सत भगवान नहीं होगा, चित भगवान हो जाएगा। तो ये भगवान अपने से अलग हो ही नहीं सकता। तो जो अपने को जाने और दूसरे को जाने वो चेतन। अब ये लक्षण ढूंढना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो अपने को भी जानती है और अपने से अलग भी जानती है, तो चेतन का ज्ञान हो जाएगा। और जैसे ही सत और चेतन का ज्ञान होगा तो आनंद की उपलब्धि अपने आप ही हो जाएगी। शास्त्रों में जिसको ज्ञान कहा गया है तो ज्ञान वही है, आत्म साक्षात्कार। अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो सुखों दुखों से पार, और अपने स्वरूप में ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो परमानंद की प्राप्ति। और इन दोनों से पार चले जाए तो जीवन सफल। ये सार है। तो भगवान विरोधी लक्षणों के समूह है, एक विरोध और दूसरे दोनों एक्सट्रीम में भगवान के गुण है। ये श्लोक मुझे लगता है यही कहना चाहता है। शांताकारम भुजा विषयनम, सांप की सैया हो और उस पे आप लेटे हो तो आपके चेहरे की शांति रहेगी क्या? सांप की सज्जा में लेटते दुनिया में इतने इतने संसार भाव सागर में कष्टों के बीच में रहकर भी अगर हम अपने चेहरे की शांति बनाए रखें, चेहरे की शांति तो नाटक की हो सकती है। अंदर से रो रहे हैं और बाहर से मुस्कुरा सकते हैं। चेहरे की जो सहज शांति है कि अंदर का चित्त का विकार ना ग्रस्त हो और उसी तरह से सहज मुद्रा में बना रहे, तो भगवान ऐसे हैं कि शांत आकार के हैं। उनकी मुख मुद्रा, उनका स्वरूप, उनकी आकृति में विकार नहीं आता। भुजे सैया,
शेषनाग की सैया पर लेटे हुए थे। ऐसा हमें बनना है। हम भगवान का ध्यान क्या कर रहे हैं कि जीवन की सारी विषमताओं, सारे अभाव, सारे कष्ट दुखों के बीच हमारी मुख मुद्रा समान बनी रहे। पहले तो मुख मुद्रा के नाटक से शुरू होगा, धीमे धीमे मन में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। जैसा नाटक करते धीमे धीमे कुछ दिनों में नाटक को सही समझने लगते हैं। ऐसा जीव का स्वभाव है। जैसे हम लोग राजा हुए, अब बाद में एक सही राजा हो गए, बिना जाने के भी अगले मर जाएंगे, दूसरा राजा आने वाला है। तो बड़ी ऑन वेटिंग टू रिप्लेस, हम सब को कोई रिप्लेस करने वाला बैठा हुआ नहीं, बट ये भ्रम रहता है। तो मानते मानते हम उस भ्रम को सत्य मानने लगते हैं। पद्मनाभम सुरेशम, सुरेश माने देवताओं के भी जो मालिक है, इंद्र के भी जो मालिक है, इंद्र के भी जो स्वामी है, और पद्मनाभ है। कमल की डंडी बहुत कमजोर होती है, नहीं होती। तो भगवान इतने कोमल है, इतने कोमल है कि छोटे से दुख के लिए वो गज और को बचाने के लिए नंगे पैरों दौड़ पड़ते हैं। किसी का दुख उनसे देखा नहीं जाता, किसी का भी दुख देखा नहीं जाता। याद रखिए, दुख तो हमने अपने आप मरण किए, उन्होंने नहीं दुख दिए। हम अपने कर्मों से अपने उन्होंने हमें स्वतंत्रता दी थी और हमने ऐसे काम किए जिससे दुख दुख का हमने मरण किया, पर वो दुखी है। दुखी इस बात से कि मैंने सब कुछ विवेक दिया, सब कुछ बुद्धि दी, सब शरीर दिया, मनुष्य बना दिया, ये संगति दे दी, गुरुओं का साथ दे दिया, शास्त्र दे दिए, बता भी दिया कैसे चलो। अब भगवान कहते चलने का काम मैंने अपने हाथ में ले लिया, ये गलती कर दी। एक ही गलती किया, क्योंकि उसने कहा अगर वो चलने की हाथ में ले लेता तो जीवन का सारा आनंद नष्ट हो जाता। चलने का काम आपको दे रखा उसने कि अच्छा बुरा चुनो और उसके अच्छे बुरे के अनुभव से सीखो। इस रास्ते पे चलने में पुण्य है और इस रास्ते पे चलने में पाप है, और पुण्य का फल सुख है और पाप का फल दुख है। ये भगवान की कृपा थी ना। राजा क्या चाहते कि मैं जैसा कहूँ वैसा करो, मनुष्य मात्र अपने बच्चे से क्या चाहते कि जैसा कहूँ वैसे ही करना, पत्नी से क्या चाहते, पति से क्या चाहते, पांच कदम चलने को कहा था तो पांच ही कदम चलना। और भगवान ने क्या कहा, शराब पीनी हो तो शराब पी लेना, मांस भक्षण करना हो तो मांस भक्षण कर लेना, वो भी कर लेना, जो तुम्हें करना वो कर लेना, सब तुम्हारी स्वतंत्रता है। पर तुम पाओगे वही, करने की स्वतंत्रता तुम्हारी है, परिणाम उसमें नहीं है। मिर्च खाओगे तो कड़वी ही लगेगी, मिर्च खा के मीठा होने की आशा मत करना। मिर्च खाना है और मिठाई खाना है तुम्हारी पाई, और अगर कड़वा खाने का मन है तो मिर्च खा लेना, मीठा लगने का मन है तो मीठा खा लेना। तो परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये है ईश्वर का विधान। तो पद्मनाभ भगवान बहुत कोमल है, बट राजा को तो बड़ा कठोर होना पड़ता है ना। अगर वो सुरेश है तो इसका मतलब वो कठोर है, और रोज हम अपने आसपास उनकी कठोरता की घटना देखते हैं। कभी छोटा बच्चा बीमार हो जाता है जिसका कुछ कर्म समझ में नहीं आता, अभी पैदा नहीं हुआ और उसके हार्ट का वाल्व खराब है, सारे पूर्ण कर्म करते दिखते हैं लोग और दुखी दिखते हैं, जो जितना धर्म करता है उतना ही दुखी दिखता है। तो भगवान की निर्दयता के उदाहरण तो जगह जगह भरे पड़े हैं। तो भगवान कठोर है, कठोर क्यों है कि बिना रास्ते पे अपने मार्ग को जब आपने चुनने का निर्णय लिया है तो उसके सुख दुख को बिना भोगे आप उसकी व्यर्थता से पार नहीं जा पाएंगे। इसलिए भगवान दुखी होते हुए भी, जैसे हम बच्चा बीमार है तो दुखी है कि नहीं है, बट क्या बच्चे की बीमारी को अपने ऊपर ले सकते हैं? दया है पर बीमारी बच्चे को ही भोगनी है, क्योंकि उसके कर्मों का फल उसे ही भोगना है। तो भगवान सुरेश है, कठोर है, बट उतने ही कोमल भी है। तो भगवान दोनों अतियों में एक्सट्रीम में है। विश्वाधारम गगन सदृशम, विश्व का आधार है, आधार तो खुश होना चाहिए ना, आधार माने जिस चीज से कोई चीज निर्मित हो, अधिष्ठान आधार भूमि, तो आधार माने ठोस। तो भगवान स्थूलतम है और गगन सदृशम और सूक्ष्मतम भी, आकाश का कहीं आकाश उसे अवधारणा है ना, खाली जगह का नाम आकाश, तो आकाश की कोई उपलब्धि है क्या, किसी इंद्रिय से आकाश को उपलब्ध नहीं किया जा सकता। तो भगवान सूक्ष्मतम भी है और स्थूलतम भी है। तो विश्वाधारम संपूर्ण जगत के आधार, संपूर्ण जगत उन्हीं में दिख रहा है, और गगन सदृशम और नहीं भी है। ध्यान में चले जाइए तो इस जगत का विलय हो जाता है कि नहीं, नेती, नेती, नेती। मेघवर्णम सुभांगम,
काले भी हैं और गोरे भी हैं। नहीं अर्थ है इसके, मेघ वर्ण, मेघ माने बादलों का रंग, वर्ण माने रंग और मेघ माने बादल, और शुभ अंग और सुंदर रंग उज्जवल शुक्ल कांति वाले जी हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो भगवान के बहुत सारे अवतार हैं। एक भगवान अच्छे और बुरे दोनों में है। एक संपूर्ण सृष्टि का सब कुछ अच्छा बुरा जो बनाया उन्हीं का तो है। तो भगवान कृष्ण में भी है, शुक्ल में भी है, दोष में भी है और निर्दोष में भी है, पाप में भी है और पुण्य भी है। नहीं तो भगवान की व्याख्या गड़बड़ हो जाएगी, सत्य नहीं हो सकते। अगर पुण्य पुण्य में है और पाप में नहीं है तो भगवान नहीं हो सकते। पर वो कहना क्या चाहते हैं? पाप करो, दुख भोगो और जान जाओ कि ये रास्ता ठीक नहीं है। बिना जले बिना काटा चुभे आपको अपना उस रास्ते से कभी विरक्ति होती है क्या? और भोग करते करते भी आपको विरक्ति होती है? पता नहीं आप महसूस करते होंगे, बहुत चीजें आप संग्रह करते हैं और कुछ दिनों में आपको संग्रह से विरक्ति हो जाती है, लगता है तो बोझ हो गया। कितनी भी अच्छी से अच्छी चीज आप इकट्ठा करें और उसको भोगते भोगते आपको क्या लगता है? विरक्ति हो जाती है। वो भी भगवान बताना चाहता है कि जितनी इच्छाएं करोगे, जितना संग्रह करोगे, उन सबसे विरक्ति होनी है। अगर आप जागरूक हैं तो, चेतन है तो जान जाएंगे कि चीजें पाने की और छोड़ने की दोनों इच्छाओं से दुख ही मिलने वाला है। तो भगवान मेघवर्ण भी है और शुभांगम भी है, मतलब अच्छे और बुरे संपूर्ण कर्मों के साक्षी। क्योंकि अच्छे बुरे कर्म करने के लिए शरीर मिला है, अपने प्रारब्ध से उसके दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, पर कर्ता भोक्ता भाव से नहीं, साक्षी भाव से। इसीलिए अध्यात्म की व्याख्या में जब हम अद्वैत की परक व्याख्या करते हैं तो राक्षस बनने की भी संभावना है और देवता बनने की भी संभावना है। अगर आपने ये सोचा कि पाप कर्म भी भगवान के दिए हुए हैं इसलिए पाप ही कर्म करें, तो मनुष्य का ये जीव भाव से आप कह रहे हैं, जीव भाव से तो शुभ कर्म ही कर रहे हैं। ये ईश्वर के गुण है, भगवान के गुण है, क्योंकि भगवत्ता में उस लेवल पर पहुंच करके उनको तो सृष्टि का संहार और प्रलय सब करना है ना। तो प्रलय भी करना है तो क्रोध भी आवश्यकता है, और सृष्टि भी करना है तो करुणा भी आवश्यकता है। वंदे विष्णु लक्ष्मी कांतम कमल नयनम, अगेन बहुत प्रतीकात्मक है। लक्ष्मी के पति कांत माने पति, लक्ष्मी पति माने जिनके पास लक्ष्मी होती है वो हृदय से थोड़ा कठोर हो जाते हैं। सहज है, धन होता है और जैसे ही कोई आता है वैसे ही आदमी सतर्क हो जाता है, कुछ मांगेगा, कुछ लेने आया है। आस पास पड़ोस बच्चे परिवार सबसे सतर्कित रहता है, पता नहीं क्या मांगने आया, किस लिए सेवा कर रहा है। लक्ष्मीकांत माने निष्ठुर होना है, लक्ष्मी इकट्ठा करने के लिए थोड़ी निष्ठुरता की आवश्यकता है। और कमल नयनम, भगवान के आंखों से प्रेम बरस रहा है, जो चाहो तो ले जाओ, जो मांगो तो ले जाओ, जो चाहिए तो सब तुम्हारी है। तो लक्ष्मीकांतम कमल नयनम है तो संपूर्ण वैभव के स्वामी, पर अपने वैभव दूसरों के लिए तो कमल नयन है, उदार है भगवान की ये दूसरी भगवत्ता। और जिन व्यक्तियों में ऐसी भगवत्ता दिखे वो तो भगवान के स्वरूप ही है ना, भगवान जैसे ही है, भगवान नहीं है, भगवान जैसे ही है, क्योंकि उनमें भी इतनी उदारता है। तो लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग वीर ध्यान गम्यम। और फिर इस श्लोक में बता दिया कि भगवान को अगर पाना है तो योग करो कर्म और ध्यान करो अकर्म। भगवान को पाने का रास्ता यही है, कर्म करते हुए ध्यान की अवस्था में चले जाओ। तो योग फिर ध्यान गम्यम, ध्यान से प्राप्त है, गम्य माने प्राप्त, तो ध्यान गम्यम। वंदे विष्णु भवभैरव, विष्णु पहले हम लोगों को जब कोई भी शब्द पढ़ाए जाते थे तो संस्कृत की बैकग्राउंड थी, क्योंकि सारे शब्द तो संस्कृत में लिखे गए और संस्कृत में उनके कुछ अर्थ थे, क्योंकि कोई भी शब्द बिना एक निश्चित अर्थ के नहीं है। उन अर्थों को हमने भूल गए और शब्दों को पकड़ लिया। भगवान के सारे नाम परमपिता परमात्मा की तरफ संकेत करते, सारे नाम वो सच्चिदानंद की तरफ संकेत करते। विष्णु, विष्णु या तो एक धातु है, संस्कृत ये मानती है कि जरा तू समझे रूप वर्ड,
और उन्हीं रूट वर्ड से सारे शब्द निकले, निष्पन्न हुए। एक शब्द है विश्व, जो सब में व्याप्त हो उसका नाम विश्व। अब भगवान विष्णु की क्या व्याख्या हुई? सब में होना चाहिए, पर हम सब में क्या भगवान भाव कर पाते हैं? अगर एक ही चीज समझ में आ जाए, विश्व के भाव का अर्थ ही समझ में आ जाए, तो कल्याण हो जाए। तो विश्व बंदे विष्णु सब में व्याप्त, पहला तो तरीका द्वैत का है, किसी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो जुगवानी। जब तक द्वैत दिख रहा है तब तक सबको भगवान समझ के प्रणाम करना है, और धीमे धीमे ये ज्ञान आ जाएगा कि सारा कुछ अपने स्वरूप में ही है, ज्ञान स्वरूप है। तो वो भी खत्म। तो बंदे विष्णु भव भय हरम, भव माने होता है होना बार बार, भव होना, और होना है तो नष्ट होना है, क्योंकि जो भी हुआ है उसको नष्ट होना है, और नष्ट होना है तो जन्म और मरण के अपने सुख दुख के छोड़ने के, पाने का सुख और पाने के बाद छूटने का दुख। तो पाने में सुख दुख है, छूटने में दुख है, रखने में दुख है, पर ये हम लोग समझते नहीं है। जैसे अभी डॉक्टर ने कहा कि रुपया उड़ रहा है, तो जिसका होगा उसको मिल जाए, ले जाएगा। हमने कहा ले नहीं जाएगा, जिसका होगा भगवान उसको दे देगा। हमारे पास कुछ भी अपना ले जाया हुआ नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है। ये बात समझ में आ जाए कि जब सब कुछ दिया हुआ है तो जो देना है वो दे देगा, और जो लेना है वो ले लेगा। इस लेने देने के चक्कर में हम बीच में कहां पड़े? दिया है ना। मैं सवेरे सवेरे अपनी वाइफ से पूछ रहा था, बताओ पैसे एटीएम में मेरे है या बैंक के? तो बोले बैंक के है। नहीं मेरे है। तो हमने कहा चल तुम ले आओ, तुम्हारे है तो वो तो 10,000 से ज्यादा नहीं देगा। तो बोले नहीं बैंक के। तो हमने कहा बैंक के तो 10,000 जब मैं लेने जाऊंगा तो नहीं देगा। जिस समय जिसके पास है उसके है। रिजर्व बैंक में छपने के पहले कागज थे, और कागज के बाद नोट हो गए। कागज में क्या अंतर है? एक छप गया था सिर्फ, और छप के बैंक के पास आ गया तो मूल्य हो गया, और मूल्य से हमारे पास आ गया, उन्हें खर्च कर दिया। फिर हमने कहा था हमारे होते तो सब्जी वाले को जो देती हो वो सब्जी रखे रहता कि भैया तुम्हारे पैसे संभाल के रख लिए, जमा के ले जाता। और सब्जी वाला कहता हमारी सब्जी खाना मत रखे रहना, मेरी है लौटा देना। मेरा तेरा कुछ नहीं, इन्हीं दो हाथों से हम लोग स्वामी जी के पास गए थे कि दो हाथों से हमने पकड़ रखा संसार को, मैं और मेरा। कांच का बर्तन देखने जाइए, कोई क्रॉकरी का बड़ा सुंदर सा वेस हो और दुकान में गिर जाए, तो अच्छा हुआ दुकानदार से गिरा, दुख होता क्या आपको? अच्छा हुआ मेरे हाथ से नहीं टूटा। और घर ले आइए पैसे देके, और घर में बच्चा तोड़ दे, क्या होता है? कांच का बर्तन तो दोनों में टूटा ना, पर दुकान में टूटा तो दुख नहीं हुआ, घर में टूटा तो दुख हुआ, दोनों में क्या अंतर आया? क्या पैदा हुआ? मेरापन पैदा हो गया। सर विचार करेंगे जब हम ज्ञान की आंखों से, तो इस शरीर में एक भी कण, एक भी कोशिका वो नहीं है जो हमारे साथ पैदा हुई थी। डॉक्टर्स कहते हैं कि 3 साल में शरीर की एक एक कोशिका पूरी तरह से बदल जाती है। जो हम पैदा हुए थे वो है नहीं, पर आज तक वो मैंपन का बोध चला आ रहा है। जो खाना खाते हैं उससे शरीर बन जाता है, तो पता नहीं शरीर में कहां कहां की मिट्टी है। ये मैं और मेरापन छूट जाए इसलिए गीता पढ़नी है। ये नहीं कि सामान छूट जाएगा, घर बना रहेगा, बच्चे बने रहेंगे, पति भी बनी रहेगी, चिंता मत कीजिए, कुछ छूटने वाला नहीं है। जब तक शरीर रहेगा, इस प्रारब्ध को भोगने के लिए शरीर मिला है, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। सिर्फ मन से उनको जो पकड़ रखा है वो छूट जाएगा, और ये विषयों के प्रति जो आसक्ति का छूटना है, यही मल निर्मोचनम पुंसा। मल का निर्मोचन बाहर का नहीं, मन में जो इंद्रियों के विषयों से प्राप्त से सुख होगा, ऐसी आसक्ति पैदा हो गई है। इस आसक्ति के मिट जाने का नाम ही मल निर्मोचन है। विषय भोगते रहेंगे बट सुख दुख के प्रति आप असंग हो जाएंगे। ये रहस्य है साधना का, जो मैं समझ पाया हूँ गुरुओं की कृपा से, शास्त्रों की कृपा से। और मैंने सोचा कि ऐसा मैंने कहा है तो लेट मी हैव माई अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन वॉट आई बिलीव। आई बिलीव कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस चित्त की वृत्तियों को शांत करना है, और वो किसी भी रास्ते से, कई तरीके,
ज्ञान से भी शांत हो जाएगा, भक्ति से भी शांत हो जाएगा, योग से भी शांत हो जाएगा, कर्म से भी शांत हो जाएगा। जैसे ही मैं मेरापन का बोध खत्म होगा, इसी रास्ते से चले जाइए, शांत हो जाएगा। रास्ता आपको चुनना है अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से। जो सूट करता हो आपके भाव बोध को, उस रास्ते को पकड़ के राय पकड़ तू एक चला चल, मिल जाएगी मधुशाला भगवान की शाला कहीं भी मिल जाएगी। एक रास्ते से चलना है और ईश्वर को पा लेंगे। पर गीता में 12वें अध्याय में यही कहा है कि ज्ञान करो, ज्ञान नहीं करते तो अभ्यास करो, अभ्यास नहीं करते तो कर्म करो, कर्म नहीं करते तो मेरे परायण होकर कर्म करो, और वो भी नहीं कर सकते तो समर्पण कर दो, कुछ कर लो, जो समझ में आए वो कर लो। तो मन का मैल छूट जाएगा, मन का मैल भूल नहीं जमी, गंदगी नहीं जमी मन में। मन में एक ही चीज जमी है, वो है हमें इंद्रियों के द्वारा जो चीजें दिखती हैं, कान के द्वारा, आंख के द्वारा, कान से प्रिय शब्द सुनना चाहते हैं, आंख से प्रिय रूप को देखना चाहते हैं, नाक से प्रिय गंध को सूंघना चाहते हैं, जीव से प्रिय स्वाद को लेना चाहते हैं, त्वचा में सुंदर और सुगंध स्पर्श की महसूस करना चाहते हैं, और ये मानते हैं कि इनसे सुख मिलेगा। अगर हम थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा सा, तो अगर रसगुल्ला खाने से हमारे को अच्छा लगता है तो पांचवा रसगुल्ला खाने में खराब क्यों लगने लगता है? अगर रसगुल्ले में अच्छा कम होता तो दसवां रसगुल्ला खाते तब भी अच्छा लगना चाहिए था, बीसवां खाते तब भी अच्छा लगना चाहिए था। इसका मतलब रसगुल्ले में सुख नहीं है, और रसगुल्ला बीमारी में भी अच्छा लगना चाहिए था। बीमारी में तो कोई रसगुल्ला ले गया तो मारने को दौड़ो, इसका मतलब रसगुल्ले में सुख नहीं है। सुख उस क्षणिक मनोवृत्ति में है जो उस समय आपको भगवान के द्वारा प्रेरित करके भोगने के लिए शरीर मिला। दुख देने का प्रारब्ध है तो वही चीज दुख देगी, और सुख देने का प्रारब्ध है उसी चीज से सुख मिलेगा। वही पुत्र सुख देता है, वही पुत्र दुख देता है, वही शरीर सुख देता है, वही शरीर दुख देता है। सब प्रारब्ध समय समय पर फलीभूत होकर के सुख दुख देता रहता है। ये बात समझ में आ जाए कि इंद्रियों के सुख के भोग से तृप्ति नहीं होगी और अतृप्ति होगी, तो बात समझ में बन जाए। और इस मैल को छुटाना है, इस मैल को छुटाने के लिए शास्त्रों ने उपाय बताए। योग दर्शन जो कि स्वामी जी का तो पूरा योग पे एक प्रवचन था, उन्होंने कहा क्या कहा, योग क्षेत्र निरोधा,